Silence. Silence, hurry please. Swamigal, nimigal athar. Sir, silence, re, Prabhu sir. Sir, my first question is that being an entrepreneur, being a businessman or creative medium, dono ko balance karna kitna aasan hai uske hisab se? Being a businessman, being an entrepreneur yourself and filming a creative medium, ye cheezo ko balance karna kitna aasan hai uske hisab se? Because when it comes to business from the mind, when it comes to film from the heart. जी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा एक करना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी हम आप जो बोल रहे हैं सही है, क्रिएटिव वर्ल्ड है, मूवी वर्ल्ड, एंड डेफिनेटली यू नो बहुत इधर सीखने को मिलता है, बहुत सारे टैलेंट्स, बहुत सारे इंटेलिजेंसी, स्मार्ट देखने को मिलते हैं. आज हम 2022 में, लेकिन 1999 में हमने मीडिया में एंटर किए, तो मतलब प्रिंट माध्यम से, तो उधर से फिर कुछ जर्नी आता है, 5 साल में का गैप आता है, फिर 2012 से अगेन वी आर बैक इन टू द प्रिंट, वो भी क्रिएटिव है, उधर भी क्रिएटिविटी चलता है. इफ़ यू आर नॉट इनोवेटिव, इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव, नहीं चलने वाला है. 17 में हम न्यूज़ चैनल शुरू करते हैं दिग्विजय, तो अभी 2020 में ये फिल्म का जो क्रिएटिव वर्ल्ड माना जाता है या वट एवर यू कॉल लाइक, बट डेफिनेटली गुड टीम. आई एन्जॉयड वर्किंग विथ ईच वन ऑफ हियर इन द मूवी स्पेस. Yes, sir. Playing the role of such a big legend, I mean, कितना बड़ा responsibility है, क्योंकि you know sentiments are associated with the people, तो वो क्या कहना चाहेंगे, an actor वाला thing. बहुत खुशी होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और responsibility है. मेरा नाम है निहाल और ये मेरी दूसरी सिनेमा है एज अ लीड एक्टर, और मैं इसमें पद्मश्री डॉक्टर विजय संकेश्वर सर की पात्र में दिखाई दूंगा. सर, एज एन एक्टर इट इज़ ऑलवेज अ ड्रीम टू यू नो डू कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग लेजेंड. तो विजय संकेश्वर सर एक लिविंग लेजेंड है, मतलब उन्होंने जो रेवोल्यूशन शुरू किया यू नो लाइक एक ट्रक से लेके जो उन्होंने यू नो दैट ही हैज क्रिएटेड द ह्यूज एम्पायर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी. तो यू नो ये मैसेज इट हैज़ टू रीच टू ऑल द यंगस्टर्स लाइक मी, यू एंड एवरी वन. अगर आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर है और आप खुद कुछ करना चाहते हो, तो आपके यू नो लाइक देन दिस इज़ अ फिल्म विच विल सेट यू नो योर सोल ऑन फायर. मतलब वो आफ्टर सीइंग दिस फिल्म आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में यू शुड नेवर गिव अप, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, बट दैट डजेंट मीन दैट यू हैव टू गो फॉर शॉर्टकट्स लाइफ में. लाइक यू नो जब हम लोग बिजनेस मैन कहते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मैन, वन इज एथिकल बिजनेस एंड यू नो जो सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस करते हैं. विजय सर एंड आनंद सर ऐसे यू नो दीज आर सो काइंड पीपल, वेर यू नो द बिजनेस वॉट दे डू देर लाइक अगर इससे किसी का कुछ भलाई होता है तो हम लोग कुछ काम करेंगे. देर मनी इज़ नॉट द एक्टिव द मेन मोटो ओवर देर. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ सर्विस ओरिएंटेड वर्क दे आर डूइंग, बीट लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स इज अ कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे यू नो लॉजिस्टिक्स आप अगर VRL पे जाओगे, देर आर मोर देन 1050 ब्रांचेस फ्रॉम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और सभी जगह में आपको ऑर्गेनाइज वे दिखेगा. अगर आप जाओगे यू नो लाइक सर की लाइक विजय का अपने विजयवाणी जो नंबर वन न्यूज़पेपर है, वहाँ पे भी विल फाइंड आउट द सेम थिंग. एंड अब सर फिल्म इंडस्ट्री में है, तो यू नो दे आर ब्रिंगिंग दैट ऑर्गेनाइज्ड वे, और हमको बहुत खुशी होती है क्योंकि हम लोग यू नो लाइक वी आर ऑल यंगस्टर्स एंड वी आर ऑल न्यू एक्टर्स इन सिनेमा इंडस्ट्री. हम लोगों के लिए ऐसी प्रोड्यूसर्स की बहुत ज़रूरत है. एंड एज एन एक्टर येस आई एम रियली एक्साइटेड, नर्वस भी हूँ. डिसम्बर 9th को रिलीज़ है, मतलब ऐसे बोलो कि एग्ज़ाम लिखा है मैंने अभी और रिजल्ट आना बाकी है. फर्स्ट क्लास नहीं, डिस्टिंक्शन मारूंगा. सो नमस्ते, मैं सिरी प्रहलाद हूँ. आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ श्रीमती ललिता संकेश्वर, वाइफ ऑफ पद्मश्री विजय संकेश्वर सर. बहुत खुशी होती है, ये एक ऐसा रोल है जो सबको नहीं मिलता है, बिकॉज बहुत एस्टैब्लिश होने के बाद ऐसे बायोग्राफी में, बायोपिक्स में रियल लाइफ कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने को मिलता है. तीसरी चौथी फिल्म में ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए वी हैव टू बी थैंकफुल टू प्रोडक्शन हाउस लाइक VRL फिल्म प्रोडक्शंस.
रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है क्योंकि अभी हमारा गाना रिलीज हुआ है, ट्रेलर हुआ है, एवरीबडी इज टेलिंग दैट उनको बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो उसके उसका यह है हमें एक्साइटमेंट और थोड़ा सा वो नर्वसनेस बढ़ गया है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर प्रेजेंटिंग दिस स्टोरी फ्रॉम द लैंड ऑफ कर्नाटका. दिस इज़ अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड अबाउट टू लेजेंडरी पर्सनैलिटीज हु हैव टुगेदर बिल्ट एन एम्पायर. सो उसमें ललिता मैडम का भी एक योगदान है, शी हैज़ बीन द सपोर्ट सिस्टम, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्लेइंग दैट पार्ट, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर कमिंग ऑन डिसंबर 9th वर्ल्ड वाइड, सो एवरीबडी कैन वॉच विटनेस दिस इनक्रेडिबल जर्नी. Talking about your career as an actress, you know, many actresses first enter to the South cinema and then come to Bollywood. What's your planning? Are you satisfied with the kind of work you're getting? I am a Kannadati, so this is my mother tongue, and I'm doing the film there, and any day my heart lies there. But as an actor, as an artist, I don't have any language barriers. Any day, if there is a good script, बहुत अच्छा script और character, किरदार मिलेगा और एक अच्छी टीम मिलेगी, तो किसी भी लैंग्वेज में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ. मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से अपनी इंडस्ट्री अभी काम कर रही है. आई थिंक वी आर ऑल वेरी लकी कि हम एक गोल्डन एरा में बॉर्न हुए जहाँ डिजिटल वर्ल्ड के वजह से सभी लोगों को कन्नड़ा फिल्म्स देखने को मिल रहा है और बहुत प्यार दे रहे हैं सब लोग. उसके वजह से एक हमें रेड कारपेट सा अभी आ गया है, थैंक्स टू समवन लाइक यश सर, रक्षित शेट्टी सर, अभी ऋषभ सर, तो उसके वजह से वी आर ऑन द मैप, एवरीबडी इज़ लुकिंग एट अस, तो हम क्या काम कर रहे हैं सबकी नज़रें हम पर है, दैट मेक्स अस वेरी रेस्पॉन्सिबल. एट द सेम टाइम वी आर ओपन टू एवरीथिंग, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड स्क्रिप्ट्स फ्रॉम एनी लैंग्वेज. बट सर, द रीसेंट सक्सेस ऑफ केजीएफ या फिर कंतारा और पुष्पा, ये बूस्ट अप किया कॉन्फिडेंस कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को, और दिस इज द रीजन यू आर मेकिंग दिस फिल्म? नहीं, उसके लिए कुछ संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये मैं बताया कि करीब तीस महीना पहला ही ऋषि का मैम जो डायरेक्टर है और निहाल जी जो लीड एक्टर है, तो पिताजी को अप्रोच किए थे और स्क्रिप्ट लेके, और ऐसा नहीं कि वो उनका देख के हमारा स्टोरी बना, और ऐसा कुछ नहीं है. मेरे को पर्सनली 7-8 साल से बहुत सारा डिमांड था लोगों का कि कस्टमर्स रहने दीजिए या कोई वीएल का वेल विशर्स रहने दीजिए, कि एक बुक बनाए, बायोग्राफी 100 पेज 200 पेज का बुक बनाया, उसका कॉलेजेस में एमबीए स्टूडेंट्स को या आईआईएम जो भी आप वट एवर यू कॉल, तो स्टूडेंट्स को एक उस माध्यम से. बट वो अभी क्या हो गया, चलते चलते मूवी बन गया. बट डेफिनेटली जो कांतारा रहने दीजिए या KGF 1, KGF 2, विक्रांत रोना, चार्ली, दे ऑल डन अ वंडरफुल जॉब, और बहुत बढ़िया काम किया सब हमारा ऑल दी इंडस्ट्री फ्रेंड्स, उनको मैं एक धन्यवाद कहना चाहता हूँ. क्योंकि पहला बहुत सारे क्या होता था कि बहुत सारा अच्छा मूवीज़ बना है, लेकिन इस स्केल पे मार्केट नहीं हुआ था. वो मार्केट करके और they opened the eyes, I can see. So talking about the South industry, you know, South industry mein lead ho, second lead ho, character roles ho, comedy, so they are given equal importance kind of thing. Mm-hmm. Because at Hindi film industry mein nahi hota, so what it is being privileged to be a part of Kannada industry as such? I'm extremely proud to be, to be a part of our industry. And I'm extremely thankful to our seniors also, because they have given best films. It's not like in the recent times we have been doing a great job, and right now after KGF, Kantara, Charlie, it have created wave, and next it is going to be Vijayanand. So looking forward for that, and extremely happy for the kind of response we are getting for the trailer. So much of positivity. So looking forward for this release. But sir, do you feel that the success of Kannada industry or South film I call it, we are Indians, and it is a Indian cinema in simple, because we all grown up watching all Bachchan Saab, Rishi Kapoor, Shah Rukh Khan, Salman Khan. But what if you take an individual, South films are running, whites are running, and what about the Bollywood films which are not running to the expectation? It's content which is more superior, or what is the thing which is? सर, हम लोग मतलब पहले से ही वी हैव बीन ग्रोन अप वॉचिंग ऑल
Hindi cinemas. It's not like that ki nahi chal rahi and all. Sir, it's all about people liking, because nowadays, you know, ab jaake accessibility mili hai hum logon ko. और आपको भी खुशी होनी चाहिए और हमको भी ये खुशी है कि कन्नड़ा फिल्म आप तक पहुंच रही है एंड इट इज़ रीचिंग वर्ल्ड वाइड. यू नो यू हैव गॉट यू नो द चैनल्स वर्ल्ड वाइड. बहुत खुशी होती है क्योंकि यू नो सिनेमा के लिए कभी भी लैंग्वेज नहीं होता. यू नो सिनेमा डजंट हैव लैंग्वेज, सिनेमा डजंट हैव कास्ट, सिनेमा डजंट हैव एनीथिंग. सिनेमा इटसेल्फ इज़ एन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो वी शुड ऑल बी हैप्पी कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमाज एंड रादर देन गोइंग दिस वर्सेस थिंग इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो विथ बिकॉज वी ऑल you know, represent one country, which is India. You know, the land of Karnataka is full of legends in every field. So, ye to a project ban gaya. What's next? Mane biopic is a thing you will be more concentrating on. Biopic ban chahenge ya mostly, mostly. And who is the other person which inspired you? How can I? That is a not going to reveal. Suspense. Suspense. Okay. And what about making Hindi movies in Mumbai? I mean, that is too early to comment, but. यस डेफिनेटली स्क्रिप्ट बेस मेरा भी बहुत सारे इधर दोस्त लोग हैं, मित्र लोग, तो ऑलरेडी लाइक बातचीत चल रहा है, बट अगेन एवरीथिंग ऑन गोइंग ऑन अ स्क्रिप्ट बेस. थैंक यू सो मच.